नंबर गाड़ी है भाई, और ड्यूक 200। हाँ, ड्यूक 200 भैया, इसका डिटेल बताइएगा, मॉडल कब का है? ये 2020 का मॉडल है। रनिंग क्या होगा अप्रोक्स? रनिंग है इसका, चला हुआ आपका अप्रोक्स वही 10,000 चला हुआ है। मात्र 10,000 चला हुआ है? 10,000 चला हुआ है। देख सकते हैं भाई गाड़ी का कंडीशन, आपको J01 यानी रांची नंबर गाड़ी मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 चला हुआ है। 10,000 चला हुआ है। डिमांड क्या रखें भैया इसका? 1,65,000 पड़ेगा। और अगर हम आपको एक बार हाईलाइट दिखा देना तो आप देख सकते हैं भाई, डुअल डिस्क में आता है, पीछे का टायर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल नया लगाया हुआ है। अलग से लगाया हुआ है। अच्छा, ये अलग से लगाया हुआ है ना? अलग से लगाया हुआ है। और फाइनेंस के लिए बात करते हैं, फाइनेंस हो जाएगा ना? फाइनेंस 100 किलोमीटर अंदर हो जाएगा। 100 किलोमीटर के अंदर में, यानी कि आप रांची से 100 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में अगर आप आते हैं तो इजिली आप फाइनेंस करवा सकते हैं। और डाउन पेमेंट लेके चले भैया तो कितना लेके आना होगा इसके? 40% लाना पड़ेगा। सिविल आप सबसे पहले मैटर करो, सिविल बहुत अच्छा होना चाहिए तभी मिल पाएगा। और अगर आपका सिविल सही रहता है तो कोई भी गाड़ी आप लेते हैं उसका 40% आप डाउन पेमेंट लेके चल सकते हैं। 40% लेके आइए और इजीली फाइनेंस करवा के लेके जा सकते हैं। मतलब अगर हम एवरेज लेके चलते भैया इसके लिए तो लगभग 45-50 हज़ार के आसपास लेके आना होगा। 160 है तो 165 तो 70-80 हज़ार देना पड़ेगा। 70-80 हज़ार रुपये का लोन होगा आपको, 1,00,000 का। 1,00,000 का लोन होगा, बाकी जो अमाउंट होता है तो आपको लेके आना पड़ता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं भाई NS 200। और NS की हम बात करते हैं ना भाई, तो हमारे सामने आपको दो दो NS दिख रहा होगा। और मार्केट में अगर हम सबसे ज़्यादा डिमांड की अगर बात करते हैं ना तो R15 आ जाता है, NS आ जाता है। मतलब भाई ये गाड़ी का जो डिमांड होता है ना भाई, बोलना ही नहीं है, हर एक वीडियो में भाई कमेंट आता है और भर भर के कमेंट रहता है कि भाई NS दिखाओ। तो आप देख सकते हैं हम NS लेके आ चुके हैं भैया, इसका डिटेल दीजिएगा। ये 2020 का है, रांची नंबर में है। रांची नंबर गाड़ी है, 2020 का मॉडल होने वाला है भाई। मतलब बिल्कुल नया कंडीशन में गाड़ी है, पूरा नया, कोई कहीं हल्का फुल्का कहीं स्क्रैच होगा? हल्का फुल्का आपका स्क्रैच देखने को मिल जाता है। रनिंग क्या होगा भैया अप्रोक्स? 12,000 चला हुआ है। 12,000 चला हुआ है। डिमांड क्या रखें इसका? 1,30,000 पड़ेगा। 1,30,000 रुपया। और अगर हम फाइनेंस के लिए लेके चलते हैं तो लगभग 50,000 के आसपास लेके आना होगा। 50,000 लेके आते हैं भाई, तो इजीली फाइनेंस हो जाते हैं। और ये J05 नंबर आपको NS दिख रहा होगा, जैसे हम आगे की ओर चलते हैं, जमशेदपुर नंबर गाड़ी है भैया, इसका डिटेल बताइएगा, मॉडल कब का ही है? ये 2021 का मॉडल है, 160 है। हाँ, रनिंग क्या है? रनिंग है 11,000 चला हुआ है। 11,000 चला हुआ है मात्र। इसका डिमांड क्या रखें? इसका 98 पड़ेगा। 98,000। मतलब इस गाड़ी को लेना है तो 40-45,000 में आप दे देंगे। 40-42,000 रुपये आप लेके आते हैं भाई, इजीली इस गाड़ी को आप लेके जा सकते हैं। और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट बच जाता है ना उसको आप इजीली फाइनेंस करवा सकते हैं। और खास करके मैं अगर आपको अगेन से रिपीट करना चाहूँ तो रांची से 100 किलोमीटर के रेडियस में है, जैसे रामगढ़ वगैरह अगर लोग आते हैं तो फाइनेंस हो जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं भाई R15, ये भी रांची नंबर है और ब्लू कलर में आपको हम दिलाने वाले हैं भैया, इसका डिटेल दीजिएगा, मॉडल कब का है? मॉडल 2018 का मॉडल है। रनिंग क्या होगा? रनिंग है इसका 22,000 किलोमीटर चला हुआ। 22,000? हाँ, 22,000। इसका डिमांड क्या रखें भैया? इसका 1,18,000 पड़ेगा। 1,18,000। हाँ। और फाइनेंस के लिए लेके चलते हैं तो लगभग 52-53 हज़ार के आसपास लेके आते हैं। उससे कम में 40-45 40-45 में फाइनेंस हो जाता है ना, मतलब लगभग 45,000 के आसपास भी लेके आते हैं भाई। तो आपको हम R15 दिलाने वाले हैं, कंडीशन देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन, ब्लू कलर में होने वाला है। और नेक्स्ट चलते हैं तो ये RC125 जमशेदपुर नंबर है। जमशेदपुर नंबर में गाड़ी है भाई और ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ आता है। भैया मॉडल कब का है ये? 2019 का मॉडल है। 19 का। रनिंग क्या होगा? रनिंग है 25,000 किलोमीटर। 25,000 चला हुआ है। इसका डिमांड क्या रखें भैया? इसका 1,18,000 में दे देंगे। 1,18,000 रुपये इसका डिमांड रखें भैया। प्राइस जो होता है थोड़ा बहुत आने के बाद नेगोशिएट हो जाता है। आने बाद लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत कस्टम होता है 10-5,000 होता है ना, 3-4,000 कम हो जाता तो 5,000। मतलब अगर हम लेके चलते हैं तो लिटिल बिट अगर हम बात करते हैं, लोग आके बैठ के बात करते हैं तो थोड़ा बहुत भाई मैनेज हो जाता है, आप आते हैं तो एक बार बात कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं देख सकते हैं RS 200 आपको दिलाने वाले हैं और ये भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट कंडीशन में आपको मिल जाता है भाई। भैया इसका डिटेल बताइएगा, मॉडल कब का है? ये 2021 का मॉडल है। रनिंग क्या होगा? मात्र 8,000 चला हुआ है। सिर्फ 8,000? मात्र 8,000 चला। मतलब भाई नया गाड़ी है, नई के बराबर चला हुआ गाड़ी है। और कंडीशन देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन होने वाला है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। डिमांड क्या रखें भैया? 1,38,000। 1,38? हाँ, 1,38। और ये भी फाइनेंस हो जाएगा ना? हाँ, ये भी फाइनेंस हो जाएगा। ये भी फाइनेंस हो जाता है भाई, आप आते हैं भाई ऑन टेबल बैठ के बात करते हैं तो भैया जैसा ने बताया कि थोड़ा बहुत प्राइस भैया देख लेंगे, कम हो जाएगा। और आगे हम चलते हैं तो Pulsar 200 है। Pulsar 220 है। और ये कहाँ का नंबर है भैया? ये रांची नंबर है। रांची नंबर गाड़ी होने वाला है, ब्लैक कलर में आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल भाई परफेक्ट कंडीशन में है, बिल्कुल प्रॉपर लुक होने वाला है। भैया मॉडल कब का है ये? ये 2017 का मॉडल है। 17 मॉडल है ना। डिमांड क्या रखे भैया? मात्र 66,000। 66,000? हाँ मात्र। ये भी फाइनेंस हो जाएगा? हाँ, ये भी फाइनेंस हो जाएगा। मतलब इसके लिए तो 15-20 हज़ार भी लेके आएगा, 20,000 बजाज गाड़ी में सिविल रहेगा तभी हो पाएगा। इसमें सिविल देखना होता है ना मेन, अगर आपका सिविल सही है तो इजिली फाइनेंस हो जाता है। तो भाई अगर मैं फाइनेंस के लिए लेके चलता हूँ ना तो मेनली जो मैटर करता है वो आपका सिविल होता है। अगर आपका सिविल सही है भाई तो आप आसानी से गाड़ी को फाइनेंस करवा सकते हैं। जिक्सर आपको दिलाने वाले हैं, देख सकते हैं ये भी रांची नंबर गाड़ी होने वाला है
और भैया मॉडल कब का ये? 2021 का मॉडल है। 2021 का रनिंग क्या भैया? रनिंग इसका 10,000 चला हुआ, 10,000 के आसपास चला हुआ है गाड़ी। और देख सकते हैं भाई कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। डिमांड क्या रखें भैया इसमें? 1,05,000 पड़ेगा। फाइनेंस भी हो जाएगा ना? हाँ फाइनेंस हो जाएगा, लगभग 42-43,000 लेके आते हैं फाइनेंस हो जाता है, आराम से हो जाएगा भाई। इजिली आप फाइनेंस करवा सकते हैं, 42-43,000 रुपया लेके आइए। आप जिक्सल लेके जा सकते हैं, रेस्ट अमाउंट आप इजिली फाइनेंस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अगेन से हमारे सामने पल्सर है, और यहाँ से भाई आपको हम पल्सर दिखाएंगे, आगे चलेंगे अपाची दिखाएंगे। जिनको भाई रॉयल एनफील्ड में थंडरबोल्ट चाहिए होता वो भी ऑप्शन है, मतलब गाड़ी का भाई सोचना ही नहीं है आपको, स्पोर्ट बाइक ज़्यादा मिलेगा, स्पोर्ट बाइक सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। भैया पल्सर का डिटेल दीजिए, मॉडल कब का है? ये धनबाद नंबर है, 2022 का मॉडल है। रनिंग क्या होगा? रनिंग है आपका चला हुआ 22,000 किलोमीटर, 22,000 चला हुआ है ना। डिमांड क्या रखें भैया? 82,000 मात्र पड़ेगा। फाइनेंस भी हो जाएगा? हाँ सर फाइनेंस हो जाएगा, फाइनेंस हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो अगेन से पल्सर आपको दिखाने वाले हैं, और ये भी आपका 150 ही होने वाला है। पुराना मॉडल है, न्यू मॉडल, ये न्यू मॉडल में था और ये आपका पुराना मॉडल है। भैया ये मॉडल कब का है? 2018 का मॉडल है। रनिंग क्या है? रनिंग है 28,000 किलोमीटर, 28,000 चला हुआ है। बाकी भाई डिटेल देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन के साथ आपको गाड़ी दिलाने वाले हैं। और डिमांड के लिए हम लेकर चलते हैं, डिमांड क्या होने वाला है? 58,000 में दे देंगे। 58 फाइनेंस हो जाएगी क्या? हाँ फाइनेंस हो जाएगी, फाइनेंस भी हो जाता है भाई। और सिविल अगर आपका सही है तो मेरे ख्याल से 20-22,000 में फाइनेंस हो जाएगा। हाँ आराम से, आराम से, मतलब भाई पल्सर आप लेना चाहते हैं ना तो 20-22,000 रुपये आप लेके आइए, आप इजिली फाइनेंस करवा सकते हैं, फाइनेंस करवा के आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट भाई अपाची RTR 160 होने वाला है, और ये भी डुअल डिस्क में। हाँ डबल डिस्क। डिटेल बताइएगा भैया मॉडल कब का है? 2019 का मॉडल है। रनिंग क्या है? रनिंग है 19,000 किलोमीटर चला हुआ, 19,000 चला हुआ है लगभग। डिमांड के लिए चलते हुए डिमांड क्या रखें? 76,000 पड़ेगा। 76,000 फाइनेंस हो जाएगा ना? हाँ इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी फाइनेंस हो जाता है। और फाइनेंस के लिए लेके चलते हैं तो इसमें भी लगभग 25-26,000 के आसपास लेके आएंगे तो फाइनेंस हो जाता है। सिविल अच्छा रहे देखना पड़ेगा, मतलब सिविल सही है तो फाइनेंस हो जाता है। नेक्स्ट से भाई RTR 160 आपको फिर से दिखाने वाले हैं, ये कलर आप देख सकते हैं आपको रेड कलर में मिल जाता है, रांची नंबर गाड़ी होने वाला है। डिटेल लेके चलते हैं भैया, मॉडल कब का है? 2021 का मॉडल है। रनिंग क्या भैया? रनिंग ये भी चला, कम चला हुआ 17,000 किलोमीटर, ये भी 17,000 चला हुआ है। मतलब भाई ना हम आपको एकदम नई के बराबर चला हुआ गाड़ी दिलाने वाले हैं। बाइक में भाई 15,000-20,000-30,000 आप समझ सकते हैं, बिल्कुल नई के बराबर चला हुआ हो जाता है। और डिमांड क्या रखें भैया इसके लिए? मात्र 98,000 पड़ेगा। 98,000 फाइनेंस हो जाएगा ना? हाँ फाइनेंस हो जाएगा, लगभग 40 के आसपास, 40,000 फाइनेंस हो जाता है। अगेन से आपका RTR 164V, 4V मॉडल में, 4V मॉडल होने वाला है, और ये आपका धनबाद का नंबर है ना? धनबाद नंबर गाड़ी होने वाला है। ब्लू कलर में आपको दिख जाता है भाई, काफी अट्रैक्टिव लुक होता है, देख सकते हैं आप। गाड़ी बिल्कुल फ्रेश होने वाला है आपको, मतलब नॉर्मल स्क्रैच भी नहीं दिख रहा होगा सामने से आप देखे तो। भैया डिटेल दीजिएगा, मॉडल कब का है? 2019 का मॉडल है। हाँ रनिंग क्या भैया? रनिंग इसका 23,000 किलोमीटर चला, 23,000 चला हुआ है। डिमांड क्या रखे भैया इसका? पड़ेगा 74,000। 74,000 फाइनेंस हो जाएगा ना? हाँ इसमें हो जाएगा, लगभग 30-32,000 के आसपास लेके आएंगे तो हो जाता है, आराम से हो जाएगा। 30,000 के आसपास लेके आइए भाई, इस गाड़ी को भी आप लेके जा सकते हैं। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं भाई, जो मतलब रॉयल एनफील्ड के लवर हैं, और आपको दोनों हम गाड़ी दिखा रहे हैं। 350 आप देख रहे हैं, थंडरबर्ड होने वाला है ना ये? थंडरबर्ड है, ये पुराना मॉडल, थंडरबर्ड ये पुराना मॉडल होने वाला है। और दोनों का डिटेल लेंगे भाई, सबसे पहले भैया रेड कलर का आप डिटेल बताइए, क्योंकि कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है और भाई गाड़ी के बारे में सोचना ही नहीं है। मॉडल कब का है ये? ये मॉडल 2020 का मॉडल है, 20 का मॉडल है ना। रनिंग क्या होगा भैया? रनिंग है इसका 20,000 किलोमीटर चला हुआ, मात्र 20,000 चला है, 20,000 चला हुआ किलोमीटर। भाई रॉयल एनफील्ड की गाड़ी आपको दिलाएंगे, 20,000 चला हुआ है, एलॉय व्हील के साथ आपको हम देने वाले हैं। कंडीशन बिल्कुल भाई फ्रेश होगा, टायर वगैरह बिल्कुल फ्रेश है, देख सकते हैं टायर वगैरह भी देख सकते हैं, गाड़ी सामने से आप देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल नई के बराबर चला हुआ गाड़ी फ्रेश कंडीशन में। डिमांड क्या रखें भैया? 1,35,000 लगेगा। 1,35 फाइनेंस भी हो जाएगा ना? हाँ इसमें हो जाएगा फाइनेंस। कितना लेके आना होगा भैया इसमें? इसमें तो बुलेट देखे हो जाएगा आराम से, 50 तक में हो जाएगा, 50 तक लेके आते हैं, बुलेट इजीली फाइनेंस हो जाता है। पुराना मॉडल है ये भी, रांची नंबर है, इसका डिटेल दीजिएगा, मॉडल कब का है? ये मॉडल 2017 का मॉडल है, 17 ना। रनिंग क्या है? ये चला हुआ 32,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है भाई। डिमांड क्या रखें भैया इसका? मात्र 88,000 पड़ेगा। 88,000 ये भी फाइनेंस हो जाएगा? फाइनेंस हो जाएगा, मतलब इसको फाइनेंस के लिए क्या 40,000 में लेके आएंगे? 35-40 में हो जाएगा। 35,000 रुपये आप लेके आइए भाई, फाइनेंस करवा के लेके जा सकते हैं। मतलब आपको हम बता दें यहाँ पे, तो अगर आप NS वगैरह में चलते हैं, जो थोड़ा सा आपको नया गाड़ी आपको दिखाया, जो मतलब मॉडल में लेके चलते हैं, प्राइस में लेके चलते हैं, तो लगभग आप 50-60 के आसपास लेके आते हैं तो फाइनेंस हो जाता है। मैं अगर मैक्सिमम बात करता हूँ तो 1,00,000 तक आप बोले कि फाइनेंस होता है, उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट होता है आपको लेके आना पड़ता है। और बाकी आई होप कि हमने जो भी जानकारी बताई भाई आपको काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और हाँ
भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।